डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज में दिस इज अक्चर टू पॉइंट टू एंड द टॉपिक इज ट्रांसफर फंक्शन एंड पोल जीरो कंसेप्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द कंट्रोल सिस्टम बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन इज हार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम देखते हैं कि वट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन So, concept of the transfer function is a mathematical function of the system parameters. This is the main block. This is the main part. Ki mathematical function of the system parameters that is what we call a transfer function. Now, performing on the applied input in order to produce the required output. What we need is the desired output or required output. So home. जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट अप्लाई की जाएगी कहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द सिस्टम पैरामीटर्स सो हम कह सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ सिस्टम पैरामीटर्स ऑन द सिलेक्टेड इनपुट नाउ वी हैव टू पार्ट हेयर वन इज द इफेक्ट ऑफ द सिस्टम पैरामीटर्स एंड द सेकेंड वन इज द सिलेक्टेड इनपुट दिस इक्वल्स द आउटपुट So output is equal to input multiplied by effect of the system parameters. So effect of the system parameters is equal to output upon input. Agar hum dekhe, so this is the main block mathematical function, which is a selection of system parameters. If the system parameters applied through a selected input and we got a desired output, so this means आउटपुट अपॉन इनपुट ठीक है इज इक्वल टू सिस्टम पैराीटर्स या इफेक्ट ऑफ सिस्टम पैरामीटर्स सो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट ठीक अगर हम मैथमेटिकली बात करें नाउ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू दैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट जो कि हमारे पास एक्साइटेशन होगी या ड्राइविंग फंक्शन होगी फॉर द सिस्टम ठीक है तो सिस्टम को ड्राइव करने के लिए व्हाट वी हैव इनपुट इज एक्साइटेशन अंडर द अजम्पशन दिस इज द मेन अजम्पशन इन द ट्रांसफर फंक्शन दैट ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो ठीक है तो ट्रांसफर फंक्शन में ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि इनिशियल कंडीशंस जीरो होंगी तो हम कह सकते हैं सिस्टम इज व्हाट वी हैव अ ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस एंड आर ऑफ टी इज द इनपुट सी ऑफ टी इज द आउटपुट So, if we talk about the ratio of Laplace transform, So we can easily set these equations as R of s, T of s, C of s. So, now T of s is equal to Laplace transform of output upon Laplace transform of input is equal to C of s upon R of s. So, transfer function is equal to C of s upon R of s. This is a basic concept of transfer function. वट इज द एडवाटेजेज एंड ट्रांसफर फंक्शन ये देख लेते हैं एडवांटेज की बात कर लेते हैं इट गिव्स मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ ऑल सिस्टम कंपोनेंट्स एंड हैंड्स ऑफ ओवरऑल सिस्टम सो जितना भी सिस्टम्स में जो मैथमेटिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम मॉडलिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल्स ठीक है जिसको हम कहेंगे मैथेमेटिकल मॉडल्स और इन दंट्रोल सिस्टम थ्योरी या इन दंट्रोल इंजीनियरिंग जितने भी मॉडल्स हैं उनको मैथमेटिकली ही रिप्रेजेंट किया जाता है और इंजीनियर्स और फिजिस्ट जो हैं वो तमाम मॉडल्स को इन मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है दैथेमेटिकल प्रजेंट uh, करते हैं कंपोनेंट्स के हवाले से तो उसी हवाले से जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है तमाम सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के अंदर सो so वंस ट्रांसफर फंक्शन इज नोन जब ट्रांसफर फंक्शन पता चल जाता है किसी भी फिजिकल सिस्टम का या किसी भी फिजिकल uh, सिस्टम को जब उसकी मॉडलिंग की जाती है तो आउटपुट रिस्पॉन्स फॉर एनी टाइप ऑफ रेफरेंस इनपुट कैन बी कैलकुलेटेड सो फॉर द रेफरेंस इनपुट मीन्स जस्ट लाइक रैम्प इनपुट स्टेप इनपुट इम्पल्स इनपुट सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट वी कैन ईजली कैलकुलेट द आउटपुट रिस्पॉन्स दैट इज द मेन पार्ट कि आउटपुट रिस्पॉन्स को पता होना जरूरी है इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम, यस सिस्टम के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफर फंक्शन की सो दीज आर पोल्स जीरोज एंड करक्टिस्टिक इक्वेशंस, सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो ट्रांसफर फंक्शन के साथ मौजूद होती हैं अच्छा इनसे क्या फ़ायदा है विद द यूज ऑफ दीज कंसेप्टीरोज एंड करट हेल्प इन दिलिटी एनर्सिज दिस्टम जब हमें सिस्टम के पोल हीरो मालूम होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होगी तो हम क्या कर सकेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम कर सकेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम डिफरेंट मैथड्स जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डोमेन में अवेलेबल्स होंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स द सेकंड वन इज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम के जो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है सिस्टम में जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम है उसका जो फिजिकल है उसको उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थर्मल और हाइड्रोलिक कैन नॉट बी जज उसको जज नहीं किया जा सकता बल्कि मॉडल के थ्रू उसको एनालाइज uh, किया जाता है इफेक्टिंग इफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू इनिशियल कंडीशन आर टोटली निगलेक्टेड तो इनिशियल कंडीशंस जस्ट लाइक इन द डेफिनेशन वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड कि जो इफेक्ट्स अगर इनिशियल कंडीशन से सिस्टम में अराइज होंगे तो वो यहां पर टोटली totally निगलेक्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि इनका इफेक्ट्स ट्रांसफर फंक्शन के सिस्टम्स में या ट्रांसफर फंक्शन में ऐड नहीं होगा तो so, एग्जाम्पल देख लेते हैं हाउ टू कैल्कुलेट द्रांसफर फंक्शन ऑफ एन बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सो this is the RC network so what what we have to do first write the equations by KVL method so Vi of t is the input is equal to Ri of t plus 1 upon c integration of it dt this is a basic equation and the second equation is V out of t the first one is Vi of t is this one and the second equation is V out of t. So V out of T is only this capacitor. This means 1 upon C integration of IT d t. Dt. Now we have to take the Laplace of these two equations. So what we have now? V i of s is equal to R i of S plus 1 upon SCI of S. So this is the Laplace transform of this equation. And the second v out of s is equal to one upon s c i of s. So now we have these two equations which are laplace transformed. so i of s from here i of s is equal to s c v out of s. We can calculate from this equation here that is i of s because we need this expression i of s. so i of s is equal to s c v out of s and later substitute in equation 3 this i of s we have to substitute in this equation so first we have to do take i of s common from this equation from this equation we have to take the i of s common so now we can see easily i of s common lene ke baad humne kya kiya ki this i of s ki jo ye value hai scv out of s हैव सबस्टिट्यूटेड हेयर इन दिस इक्वेशन सो नाउ वी आई ओफ एस इज इक्वल टू एस सी वी आउट ऑफ एस इन टू आर प्लस वन अपॉन एस सी आप क्या करेंगे वी आई ओफ एस इज इक्वल टू एस सी वी आउट ऑफ एस इन टू आर प्लस ठीक है प्लस एस सी वी आउट ऑफ एस डिवाइड बाई एस सी तो क्या होगा दिस एस सी विल बी कैंसल आउट विद दिस एस सी So, after that we only found V out of S. So, we we'll are that V I of S is equal to S C R V out of S plus V out of S. From this equation, we have to take the V out of S common. So, we will get the value of 1 plus S C R. So, we know that. What is the transfer function? Transfer function is the ratio of the output... Laplace transform of this output divided by Laplace transform of this input. So we can easily calculate the transfer function from this equation that V out of S divided by V in of S is equal to 1 upon 1 plus SCR. So this is the final transfer function that this is the system parameters, mathematical system parameters or mathemat mathematical system functions. So now we can अप्लाई द इनपुट एंड वी कैन गेट इजली द आउटपुट बिकॉज नाउ वी हैव द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम सो इस तरीके से हम ट्रांसफर फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का कंप्यूट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है इनके बारे में बात करते हैं तो वट आर द इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है कि लेप्लास रेशो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो कि आउटपुट अपॉन इनपुट है तो हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज इक्वल टू पी ऑफ एस अपॉन क्यू ऑफ एस अगर हम इसको फर्दर इन दी फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेस करें डायरेक्टली तो दिस कैन बी फर्दर एक्सप्रेस एज ए नॉट एस ऑफ एम प्लस ए वन एस एम माइनस वन प्लस ए टू एस एम माइनस टू और एफ एम इसी तरीके से डिनोमिनेटर में b not s of n plus b1 sn minus 1 और इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं रेशियो ऑफ दी पॉलीनोमिअल इन s अब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज टू गेट द फैक्टर फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन एस तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इस फॉर्म को ठीक है इन दिस फॉर्म सो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू k into s sa s sb s, s, s m divide by s minus s1 s minus s2 into s minus sn so k is the system gain factor okay k jo hai wo system ka gain hai and from these two uh, forms numerator and denominator we can calculate the values of poles and zeros so values of s1 s2 s3 and till sn are called the Poles of the transfer function and in numerator, this SA, SB, SM are the zeros. And how about the characteristic equation? The equation obtained by this denominator of a transfer function is equal to zero. Kisi bhi transfer function ki denominator ko agar hum zero ke equal put kare. और फिर हुज रूट्स जो के पोल्स हों जिनके रूट्स जो हैं वो पोल्स होंगे तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जब इस फैक्टराइज फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट द फॉर्म ऑफ दिस पोलिनोम वन तो हम कह सकते हैं द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो हुज रूट्स आर पोल्स ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस्टिक सिस्टम तो f ऑफ s इज इक्वल टू this equation b not of of s s n plus b1 s minus 1 टू प्लस बी n इज इक्वल टू जीरो तो मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको हम कहेंगे दैट वन इज इक्वेशन तो इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं टर्मिनोलॉजीज की तो सबसे पहले हम पोल्स की बात कर लेते हैं कि जो पोल्स हैं और जो जीरोस हैं वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं वी हैव सिंपल पोल्स रिपीटिड पोल्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट पोल्स इसी तरीके से हमारे पास सिंपल जीरोज रिपीटेड जीरोज और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट जीरो भी होते हैं ठीक है मोस्टली हमारे पास क्योंकि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो हम क्या करते हैं नॉर्मली uh, जो सिस्टम में पोल्स रिपीटेड पोल्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स अवेलेबल होते हैं तो एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें अंदाजा हो पाएगा सो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू फाइव इंटू एस प्लस फोर डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस थ्री सो हाउ अबाउट दी पोल्स हेयर फॉर द पोल्स वी हैव टू इक्वेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो तो एस इंटू एस प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो मीन्स एस इज इक्वल टू जीरो इज पोल एंड एस प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो मीन्स एस इज इक्वल टू माइनस थ्री so this is the second pole. so i'm seeing, both of the transfer functions are 0 and minus 3. how about this 0? s plus 4 is equal to 0 and s is equal to minus 4. so there is only one zero in this system. so 0 is the s is equal to minus 4 and 5 is the gain of the system. now come to this transfer function. this is a little bit complex from this uh, transfer function. फोर इंटू एस प्लस सिक्स सबसे पहले हम बात करते हैं एस प्लस सिक्स की तो एस प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब ये हुआ माइनस सिक्स सो वी है सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पोल की सिंपल पोल इज दिस वन एस प्लस फोर तो एस प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो मतलब ये हुआ एस इज इक्वल टू माइनस फोर तो सिंपल पोल एट एस इज इक्वल टू माइनस फोर अब बात करते हैं रिपीटेड पोल्स की रिपीटेड पोल्स वो पोल्स होते हैं जो कि एक ही पॉइंट पर अवेलेबल होते हैं मल्टीपल पोल्स तो हम देख सकते हैं एस प्लस टू का स्क्वायर। सो दिस इज द रिपीटेड पोल्स कैसे एस प्लस टू का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि वी हैव एस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एस प्लस तो एस प्लस टू का मतलब ये हुआ कि माइनस एस स्क्र प्लस टू एस प्लस टू इसके हम फैक्टर नहीं बना सकते इसको हम फैक्ट्राइज नहीं कर सकते दो इक्वेशन में हम क्या करेंगे तो इसको हम क्वारेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम जो हमारे पास जो पोल्स आएंगे वो आएंगे माइनस वन प्लस माइनस जे वन तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर दस कॉन्जुकेट बिकॉज़ सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट पोल अब हम इस ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो इस ट्रांसफर फंक्शन में पहले जीरोस की बात करें तो सिंपल जीरो अगर हम देखें सो वी कैन फाइंड दिस इज अ सिंपल जीरो

एस इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस जे वन तो यहां तक बात हो गई जीरोस की नाउ लेट्स मूव टू दी पोल्स अब पोल्स में हम क्या देख रहे हैं एक डिफरेंट चीज हमें अवेलेबल है ठीक है वो क्या है दैट वन इज दिस वन ये एस क्यूब क्या है एस क्यूब थ्री पोल्स एट ओरिजिन इसका मतलब ये हुआ कि थ्री पोल्स एट ओरिजिन तो दिस इज द ओरिजिन दिस इज द ओरिजिन और ये ये क्या है दिस इज ओमेगा एंड दिस इज सिग्मा दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द ओमेगा पार्ट. सो एट दिस जीरो पॉइंट वी कैन से दैट दीज आर दोल्स एट ओरिजिन तो इसका मतलब ये हुआ कि एस क्यूब इज इक्वल टू जीरो मतलब जीरो 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 थ्री पोल्स एट ओरिजिन ठीक है, सेकंड वन एस प्लस फाइव इज सिंपल पोल सो माइनस फाइव इज अल पोलैक्सुकेट पोल एट एस इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री फोर ठीक है दीज आर थ्योरी अबाउट पोल्स एंड जीरोस अब पोल जीरो प्लॉट और कैक्टिस्टिक इक्वेशन कैसे देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो so पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन एस एस प्लस सिक्स डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस टू एस प्लस फाइव एस स्क्वेयर प्लस सेवन एस प्लस ट्वेल्व ठीक है जी तो एस प्लस इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इज दी जीरो सो वी कैन सी हेयर

एस प्लस थ्री ठीक है यहां से हमने इसको फैक्टर कर लिया इन टू एस प्लस फोर तो फैक्टराइज करने से हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द पोल्स वन इज द माइनस थ्री एंड वन इज द माइनस फोर तो हम देख रहे हैं माइनस थ्री इज अ पोल हेयर एंड दिस इज द माइनस फोर पोल सो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे जीरो प्लॉट को अच्छा अब अगर हम पोलो प्लॉट ड्रॉ करें विदुकेट पोल्स, तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं इन दिस एग्जाम्पल दिस प्लस टू फर्स्ट जीरो जीरो माइनस टू पे है एक पोल वन पोल एस इज एट ओरिजिन दिस इज अ वन पोल माइनस थ्री इज द सेकेंड पोल माइनस फोर इज पोल थर्ड पोल थर्ड पोल ठीक है अच्छा अब आ जाती है हमारे पास एस स्क्वेयर प्लस टू एस प्लस टू तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन ये हमारे पास जो रूट बनता है वो बनता है माइनस वन ठीक है और प्लस माइनस जे वन ठीक है माइनस वन प्लस माइनस जे वन तो इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ये माइनस वन तक माइनस वन जहां पर आ रहा है उससे एक लाइन क्रॉस करेगी वो ये है माइनस वन ठीक है ये माइनस वन पहले यहां से एक लाइन क्रॉस करेगी कहाँ तक प्लस माइनस जे वन तक तो दिस इज इक्वल टू वन जे और प्लस वन जे एंड दिस इज माइनस वन जे तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर एक पोल आ जाएगा और इस पॉइंट पर दूसरा पोल आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे मिला देंगे ऐसे और इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे माइनस वन ऑफ रियल और प्लस माइनस जे ऑफ इमेजिनरी ठीक है तो इस तरीके से पोल जीरो प्लॉट जो है वो बनाया जाएगा फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट पोल्स इक्वेशन की बात कर लें। so, अगर हम कहते हैं एस इंटू एस प्लस टू एस प्लस टू एस प्लस फोर जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और पूरी इक्वेशन को लेके आएंगे पहले हमने पुट किया और अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है एस की फाइव प्लस फोर्टीन एस फोर प्लस सेवन एस क्यूब प्लस वन फिफ्टी स्क्वायर प्लस वन ट्वेंटी इक्वल टू जीरो हम देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पांच तो पावर इज s की पावर फाइव ठीक है तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की बनाई जा सकती है सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन अच्छा यहां पर हम एग्जांपल्स विद मैटलैब कर सकते हैं इसको तो ज़ीरोज़ जो हैं वो निकाला जा सकता है सॉल्व uh, करने के लिए मेटलैप्स की डिफरेंट कमांड हैं ठीक है रूट्स कमांड जो हैं वो निकाली जा सकती हैं तो पोल्स इज इक्वल टू रूट्स वन दिस इज़ वन दिस इज माइनस फोर दिस इज सिक्स एंड दिस इज माइनस फोर तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पोल्स आ जाएंगे ठीक है और जीरोज भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली थ्रू दि मेटलैप फैक्टर्ड फॉर्म ठीक है वो हम uh, निकाल सकते हैं uh, इस पूरी उसकी ट्रांसफर फंक्शन की तो टू को जब हम कॉमन लेंगे तो एस प्लस जीरो पॉइंट फाइव बचता है तो जीरो पॉइंट फाइव इज दी माइनस जीरो पॉइंट फाइव इज दी यहाँ पर अगर हम देखें तो जब फैक्टर फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो टू को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है एस प्लस जीरो पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट फाइव बचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इज माइनस जीरो पॉइंट फाइव और इसी तरीके से फैक्टर फॉर्म में जब इसको लेके आ रहे हैं हम यहाँ से भी फैक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं जैसा कि रूट्स जब हमने ले लिए तो रूट से हमें अंदाजा हो गया तो दिस इज द फर्स्ट रूट मीन एस माइनस टू एंड दिस, दिस आर दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट रूट्स तो इसका मतलब ये हुआ कि एस माइनस वन माइनस जे एस माइनस वन प्लस जे या हम ये कह सकते हैं कि एस माइनस वन प्लस माइनस जे ठीक है इस तरीके से हम ये सिस्टम के रूट्स भी निकाल सकते हैं और ट्रांसफर फंक्शंस के भी तो यहाँ वो डिफरेंट कमांड्स गिवन है ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए जी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर फंक्शन न्यूमिनेटर कॉमर डिनोमिनेटर और इसके अलावा हमारे पास अगर हम जेड पी के यूज़ करें जी इज इक्वल टू जेड पी के तो जेड पी के से हम जीरोज निकाल सकते हैं पोज निकाल सकते हैं और गेंद निकाल सकते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का ठीक है इसे हम निकाल सकते हैं इस कमांड से जी इज इक्वल टू जेड पी के जेड पी के इससे ये होगा कि जीरो पोल्स और गेन जब अगर हम यहां देखें जी इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन टू वन थ्री टू फोर तो ये ट्रांसफर फंक्शन होगा इसका ठीक है g इज इक्वल टू टू वन थ्री टू फोर और अगर हम इसका निकालना चाहें जेड पी के थ्रू तो इसे हम ट्रांसफर फंक्शन भी बना सकते हैं ये हमारे पास गेन गिवन है ये हमारे पास पोल्स गिवन है और ये हमारे पास जीरो गिवन है ठीक है जेड पी के इन जीरो पोल्स और गेन्स पार्शल फ्रैक्शन एक्सपेंशन भी की जा सकती है मैटलैप के थ्रू के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यूज करके हम आर पी के रेजिड्यू न्यूमिनेटर कॉमा डिनोमिनेटर तो यहां से हमें डिफरेंट फैक्टर्स मिल जाएंगे रेजिड्यू पोल और गेन इसी तरीके से हम इसको दोबारा कन्वर्ट भी कर सकते हैं न्यूमिनेटर कॉमा डिनोमिनेटर इक्वल टू रेजिड्यू इन टू आर पी के की वैल्यू डालकर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं हमारे पास ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है हमने यहाँ पर ये यह वैल्यूज डाली माइनस फोर एट और वन सिक्स एट और इसका हम पार्सल फ्रैक्शन से कांस्टेंट भी हमें मिल सकते हैं तो ये आप ट्राई कर सकते हैं इन कमांड्स को यूज़ करके और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सोलूशन जो है इट्स वेरी ईजी और मैट लैब जो है वो इस कंट्रोल uh, सिस्टम के हवाले से जो मैट लैब कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स है वो बहुत ही अच्छे सोलूशन और बड़े यू कह लें कि कन्वीनियंट सोलूशन जो है वो प्रोवाइड करती है सो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन एक दो हैं ये हम देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाएगा अगर हम बात करें इसकी कि ट्रांसफर फंक्शन निकालें सॉरी ट्रांसफ़र फंक्शन मौजूद है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या करना होगा कि इस एक्स ऑफ एस को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होगा और इस वाई एस को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होगा मतलब इस वैल्यू को हम यहाँ ले आए तो ये हो जाएगी एस स्क्वेयेर वाई ओफेस प्लस